हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, लिनोवो का 18.5 इंच का एलसीडी मॉनिटर है। इसकी आप पावर लाइट देखेंगे तो वह ब्लिंक कर रही है। ये देखिए, ये पावर लाइट ब्लिंक कर रही है, तो इसको रिपेयर करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए बिना स्किप किए हुए। तो अगर आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आती है या आपका अपना मॉनिटर ख़राब हो जी वे में, आप खुद ही रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी अच्छी वीडियो हम लाते रहते हैं रिपेयरिंग से रिलेटेड। एलसीडी की नहीं, लैपटॉप की भी और पावर सप्लाई की भी बहुत सारी वीडियोज़ हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। तो इसको हम खोलेंगे। तो खोलने के लिए मॉनिटर को सबसे पहले बेजल को अनलॉक करें और पूरा बेजल नहीं निकालें। जिधर कंट्रोल पैनल है, मैं हमेशा बताता हूँ कि उधर पूरा अपनी तरफ बाहर की तरफ ना खींचे, कई बार कंट्रोल पैनल का वायर टूट जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, मैंने उधर छोड़ दिया है, बैक कवर पीछे से निकाल लेंगे तो इजीली निकल जाएगा, उसको लास्ट में हम निकाल लेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना होता है मॉनिटर खोलने के लिए। और अगर आप एक्सपर्ट हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप अभी नए हैं, सीख रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। और ये देखिए, FL का कनेक्टर है, इसमें लॉक होता है, थोड़ा सा प्रेस करके निकाल लेंगे बाहर की तरफ। अब इसको कवर को खोलने के लिए साइड साइड में आपको स्क्रू मिल जाएंगे और उन स्क्रू को खोल लीजिए और लास्ट में LVDS केबल को साइड में प्रेस करके अनलॉक करके आप निकाल लीजिए। तो ये देखिए, इस तरह से साइड में प्रेस करेंगे तो LVDS का कनेक्टर निकल जाएगा। तो अब जैसा कि आपको पता ही होगा, ये हमारा लॉजिक कार्ड है, पावर सप्लाई है। तो इस प्रॉब्लम में ज़्यादातर आपको पावर सप्लाई की प्रॉब्लम मिलेगी। रेयर चार्ज होता है कि पैनल में शॉर्टिंग है, तो उस केस में जब हम LVDS लगाते हैं तो ब्लिंक करता है, और अगर बाहर चेक करेंगे तो ब्लिंक नहीं करेगा। लेकिन कई बार सप्लाई में अगर लोड की प्रॉब्लम है, तब भी हम लैंप लगाएंगे तो ग्लो होगा, बट जैसे ही LVDS का कनेक्टर पैनल में लगाएंगे तो ब्लिंक करने लगा। उस केस में भी सप्लाई की प्रॉब्लम होती है, तो आपको इश्योर करना पड़ेगा कि सप्लाई ख़राब है कि नहीं। अभी देखिए, अगर इस कंडीशन में आपका मॉनिटर है पावर ब्लिंक में, तो सबसे पहले फिजिकली चेक कर लीजिए कि कहीं कोई कैपेसिटर फूला तो नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, बड़ा वाला मेन फिल्टर कैपेसिटर बैक साइड से देख लीजिए और फ्रंट से भी देख लीजिए। कई बार लोग क्या करते हैं, बैक साइड से देख लेते हैं फूला हुआ, आगे से लिक्विड निकला रहता है, तो उसको भी ध्यान रखना है कि उससे भी प्रॉब्लम आएगी। और ये देखिए, कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर फूले हुए हैं, ये देखिए, ये तीन कैपेसिटर फूले हुए हैं, तो इनको हम चेंज करेंगे। अगर इसके बाद भी नहीं होगा तो बाकी जो कैपेसिटर हैं जो नहीं भी फूले, उनको भी हम चेंज कर देंगे। अगर ये देखिए, ये तीन फूले हैं, अगर इनको चेंज करने के बाद नहीं होता है और जैसे हम कनेक्ट करते हैं LVDS के ऊपर, फिर भी पावर लाइट ब्लिंक करती है, तो बाकी जो बचे हैं जो नहीं फूले, उनको भी चेंज कर देंगे, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है मैक्सिमम। क्योंकि होता क्या है कि वो पुराने हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, स्वेल फूले तो नहीं रहते हैं, बट वो लोड नहीं ले पाते हैं। ये देखिए, 25 वोल्ट का 680 माइक्रोफेराड 25 वोल्ट का कैपेसिटर है, तो तीनों कैपेसिटर, ये 16 वोल्ट का है, दो 25 के हैं, एक 16 का है, तो सेम वैल्यू का हम लगा लेंगे कैपेसिटर, उसके बाद फिर चेक करेंगे सप्लाई। तो ये बहुत प्रॉब्लम आती है पावर ब्लिंक की कंडीशन में, जो खासकर पुराने मॉनिटर हैं, LCD मॉनिटर, उनमें ये प्रॉब्लम आती है, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, कैपेसिटर में जो ये वाइट साइड दिख रहा है वो निगेटिव होता है, और PCB में भी आपको मार्क मिल जाएगा निगेटिव पॉजिटिव का। जिधर वाइट लाइनिंग बनी है कैपेसिटर में वो निगेटिव है, और PCB में जिधर वाइट रहेगा या लाइनिंग रहेगी वो निगेटिव रहता है, या प्लस माइनस लिखा रहता है। तो आप नए हैं तो ये चीज़ ध्यान रखिए, उल्टा ना लगाएं, नहीं तो ख़राब हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कैपेसिटर लगाने में। अब देखिए, अगर पावर नहीं ऑन हो रहा तो इसमें IC के पास रेजिस्टेंस लगा होता है, तो ये भी ख़राब होता है, लो वैल्यू का होता है, तो आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे इसको तो कंटिन्यूटी आएगा। तो ये देखिए, कैपेसिटर हमने चेंज कर दिया है, अब इसको हम फिक्स करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई सा भी LCD मॉनिटर का पार्ट चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, और मैक्सिमम अवेलेबिलिटी होती है हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये देखिए, पैक कर देंगे, LVDS केबल आराम से लगाएं, नहीं तो कई बार पैनल का कनेक्टर टूट जाता है, प्रॉपर लॉक में फिट कर दें और
बैकलाइट का भी कनेक्टर लगा लें, उसके बाद हम चेक करेंगे प्रॉपर हमारा ऑन हुआ या नहीं हुआ। ऑन हो गया तो ठीक है, नहीं तो बाकी के जो और जो कैपेसिटर हैं अगर सेम कंडीशन में है तो उनको भी हम चेंज करेंगे। तो ये देखिए पावर लगा दिया है हमने, ये देखिए ऑन हो गया और डिस्प्ले भी आ गया, ये देखिए ये प्रॉपर ऑन हो गया। तो इसमें यही प्रॉब्लम थी फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूएबल वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं और अगर आप नया भी सीख रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। ये देखिए इस टाइप के नहीं फूले हैं, तब भी ये पुराने कैपेसिटर होते हैं, इनको चेंज कर दीजिए अगर आपका पावर लाइट ब्लिंक हो रहा है। ये मत देखिए कि फूला ही है तभी चेंज करेंगे। देखिए अब प्रॉपर ग्लो हो रहा है, लाइट ऑन ऑफ भी हो रहा है, तो ये पूरा रिपेयर हो चुका है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसको हम पैक कर देंगे। ये देखिए एकदम बढ़िया डिस्प्ले आ रहा है।